सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, FAST, फास्ट। F का मतलब होता है फेस, यानी हमारा फेस अचानक टेढ़ा हो जाए, एक तरफ का फेस कम हिलने लगे या कम चलने लगे। A का मतलब होता है आर्म, मतलब आर्म आपकी ड्रॉप कर जाए या पैर आपका ड्रॉप कर जाए या हाथ या पैर की ताकत अचानक एक तरफ कम हो जाए। S का मतलब होता है स्पीच, यानी आपकी अचानक आवाज़ कम होने लग जाए या आवाज़ चेंज हो जाए या आवाज़ बंद हो जाए। और T का मतलब होता है टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि एवरी मिनट काउंट्स, सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप लग पाए सस्पेक्ट करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि आप ये कैसे पहचाने कि लग पाए। तो मैंने आपको बताया ये सिम्टम है, तो अगर जो किसी को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद लगवा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन अटैक हो सकता है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी राय ये है कि सबसे पहले जो भी आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है वहाँ जाएँ। मैं कहूँगा डॉक्टर को ना ढूंढें, पहले हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो हर हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वो आपको देख के आपके सिम्टम से इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि ये लकवे के सिम्टम हैं। तब वो डॉक्टर क्या करेंगे, तो सबसे पहले CT स्कैन या MRI करेंगे, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये लकवा है। दूसरी बात, लकवे दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें ब्लड खून की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे आगे खून जाना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फार्क्ट। दूसरा होता है कि खून की नलियाँ फट जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन में हेमरेज। तो ये CT स्कैन करने से इमीडिएटली ये भी पता चल जाता है कि ये क्लॉट बनने की वजह से लकवा हुआ है या ब्लीडिंग की वजह से लकवा हुआ है। अब अस्पताल में आपको जल्दी क्यों पहुंचना चाहिए, तो ऐसे डॉक्टर लोग क्या करेंगे कि जो आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। दो बातें, जिन मरीजों में ये लकवा जो है क्लॉट बनने से हुआ है, जिसका मतलब जो खून की थैली है वो नसें वो बंद हो गई है, अगर जो आप 4.5 घंटे के अंदर अंदर पहला सिम्टम होने के 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर अस्पताल पहुँचते हैं, तो एक क्लॉट बस दवा होती है जिसको लगाने से उस खून की नली को हम खोल सकते हैं, जिससे कि लकवे के प्रभाव को करीब करीब पूरा हम बचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी देर बाद पहुँचे हैं। 4.5 घंटे बाद भी हम लोग कैसा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, यानी जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी करके वो जो क्लॉट होता है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि जितना मिनिमम डैमेज हो उसके डैमेज को हम कर सकते हैं। अगर जो किसी को लकवा हो गया है तो हमको ये क्या करना चाहिए, तो जैसा डॉक्टर आपको बताते हैं, कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो ये कहते हैं कि मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, तो वो गलत तरीका है जानने का। ब्लड प्रेशर के सिम्टम तभी होते हैं जब या तो हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन अटैक हो जाए, तो उस तक नौबत ना आने दें। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली, मैं कहता हूँ एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार जरूर ब्लड प्रेशर चेक करें। जब भी आपको लगे आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। और रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, सबसे खतरनाक होता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं, उनको बोलना चाहिए कि उनको एकदम बंद करना चाहिए। बचाव के लिए आपका वजन ठीक रखिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खाने में संतुलन रखिए, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल बना रहेगा। आपका हार्ट का रिदम ठीक करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। जो लोग यंग हैं वो चाहें तो दौड़ सकते हैं, दौड़ने से आपका वही एक्सरसाइज जो आप 1 घंटे में करेंगे उसको 1/2 घंटे में दौड़ के अपना टाइम भी बचा सकते हैं और उसका हेल्थ बेनिफिट भी होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, और मेरी ये ऐसी प्रार्थना है कि आप सब लोग इस बीमारी से बचे रहें, उसके बचाव के उपाय करें। अगर भगवान न करे किसी को भी अगर जो जरा भी शंका हो, तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि उनको लगता है शायद ठीक हो जाएगा, तो घर पर मालिश करते रहते हैं या मसाज करते रहते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात है, कई बार आस पड़ोस के लोग या मित्रगण बताते हैं नहीं ये ठीक हो जाएगा, वो भी गलत बात है। तो हमने देखा है कि मरीज 4.5 घंटे में नहीं पहुंच पाते हैं उस हॉस्पिटल, उसके सबसे 2 बड़े मेजर कारण हैं। पहले तो ये वो डाउट नहीं करते कि लकवा है, जो कि मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ये बात। दूसरा कारण ये होता है, वो सोचते हैं कि किसी ने कहा ठीक हो जाएगा। अब ये कौन किसी ने कहा, वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, परिवार हो सकता है, आपका लोकल डॉक्टर भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाके, जो भी आपके नियरेस्ट है वहाँ जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और कोशिश करें कि इस बीमारी से आप बचे रहें, स्वस्थ रहें, तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।